बिचौलिए के थ्रू आदमी लाता है उसको ये लोग इंजेक्शन दे रहे हैं, और यहाँ पर जो दो दो घंटा से लोग खड़े हैं उनका टाइम नहीं हो रहा है, वो बोलते हैं जब अभी नंबर नहीं आया है, लोग बीच बीच में जो आता है उसको ये लोग दे देते हैं। तो इतना अराजकता फैलाए हुए हैं यहाँ पर, जो हॉस्पिटल में आना और ये करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी आपको अगर शौचालय का में देखिए तो ताला लगल है, कोई शौचालय का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जो भीड़ है हमको तो लग रहा है कि दो गज दूरी या मास्क ये सब का कोई मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और जुटे हुए हैं वैक्सीन लेने के लिए, यहाँ क्या विधि व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था नहीं है ना, एक मतलब टॉयलेट की व्यवस्था है, बुजुर्गों के लिए भी अगर पूरे कैंपस में दौड़ जाइए कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है कि लोग टॉयलेट कहाँ जाएंगे, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इतना लापरवाही है कि हम तो खुद जो है सब परेशान हैं। मेरी बूढ़ी माँ जिसका कमर झुका हुआ है उन्हें बाहर ले जा करके दो जगह टॉयलेट में गए, हर जगह ताला लगा हुआ है, लोगों का कहना है कि टॉयलेट ख़राब है, तो टॉयलेट ख़राब है मान लिया कि ठीक है, लेकिन आज जो आपने लोगों को भीड़ जुटा लिया और कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है ना पानी की व्यवस्था है, लोग कहाँ जाएंगे पानी पीने, कहाँ जाएंगे टॉयलेट के लिए, इस व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए। कहाँ से हम बगल में है, मेरा मानीपुर नरोत्तम बरियारपुर गाँव से हम आया हूँ, मेरा नाम सुबोध कुमार श्रीवास्तव है, हमारा ये शिकायत है कि लोगों के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए। डीएम साहब से क्या अपील करना है? डीएम साहब से हम यही अपील करेंगे कि यहाँ जो गंदगी है आज के डेट में जो व्यवस्था यहाँ है कि कोविड में क्या होना चाहिए, कोविड में सफाई का व्यवस्था होना चाहिए ना कि ये गंदगी, पूरा माहौल गंदा से भरा हुआ है, ना लोगों के लिए पानी का व्यवस्था है और ना कोई टॉयलेट का व्यवस्था है, बूढ़े लोग जो है उधर उधर भटक रहे हैं, टॉयलेट है जो बंद है, तो टॉयलेट बंद है, ताला लगा हुआ है, जाकर के लौट आए हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है जो ये लोग बिचौलिए के थ्रू आदमी लाता है उसको ये लोग इंजेक्शन दे रहे हैं, और यहाँ पर जो दो दो घंटा से लोग खड़े हैं उनका टाइम नहीं हो रहा है, वो बोलते हैं जब अभी नंबर नहीं आया है, लोग बीच बीच में जो आता है उसको ये लोग दे देते हैं। तो इतना अराजकता फैलाए हुए हैं यहाँ पर, जो हॉस्पिटल में आना और ये करना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या बजे आए थे? हम 11 बजे आए थे, अभी 1 बज गया है, और अभी हमारा नंबर 30 गो के पीछे है, जो हमसे पहले बाद में जो आया है 12 बजे आया है, 12:30 में वो इंजेक्शन लेके चला गया है, लेकिन हमारा नंबर ये नहीं हुआ है, पर यहाँ पर अराजकता फैला दिया है टोटल ये डिपार्टमेंट वाले लोगों ने। पैसा की क्या करता है, बिचौलिया लेके जिसको आता है उसको पहले दे देता है, ये लोग यही धंधा यहाँ पर कर रहा है। ये मेरा नाम लक्ष्मण ठाकुर है, मेरा घर डेम्हा हुआ। अभी क्या समस्या हो रही है, क्या कहा जा रहा है? समस्या ये है कि 8 मार्च को हमको छुट्टी पड़ा ना, लेकिन पड़ा तो हमको कहा गया कि 28 दिन के बाद पड़ेगा, हम मैसेज भेजेंगे, मैसेज भी नहीं गया। क्या बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं कि 45 दिन के बाद पड़ेगा, और फिर बोले हैं कि 56 दिन के बाद पड़ेगा, समय बढ़ गया। क्या तारीख के आपको पड़ा था? 8 मार्च को। 8 मार्च कहिया बुलाए थे? 28 दिन के बाद बुलाए थे। अब कल देखे थे और लोग आ रहे हैं तो 5 को पड़ रहा है, तो हो सके हम चल जाते हैं। सुविधा ठीक नहीं है ना? तो 28 मार्च को पढ़ा था, तभी टाइम नहीं हुआ। 8 मार्च के पढ़ा? हाँ। चलो ठीक है, नाम बताइए, कहाँ से आए थे? मालती देवी। कहाँ से आए? साइंस से। किस लिए आए थे? क्या? हम अपने ग्रैंड मदर को COVID-19 का इंजेक्शन दिलवाने के लिए लाए थे। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था आपके सामने है, भेड़िया धसान लोग जो है से वहाँ खड़ा है। अभी आपको अगर शौचालय का में देखिए तो ताला लगल है, कोई शौचालय का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जो भीड़ है हमको तो लग रहा है कि दो गज दूरी या मास्क ये सब का कोई मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और अंदर जो जहाँ वैक्सीन दिया जा रहा है वहाँ की क्या व्यवस्था है, तो इंजेक्शन जब लगेगा जब पता चलेगा। कितने बजे आए थे? 1 घंटे पहले। अभी तक इंजेक्शन लगा नहीं? लगा है, बोला गया 2 घंटे बाद नंबर आएगा। कहाँ से आए? हम आए हैं यहाँ से 12 किलोमीटर अंदर मणिफुल कहाँ पंचायत से। अच्छा,